हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं रात हो गई है। हम लोग टेस्ट के लिए आए थे, फॉग लाइट जो कि हमने लगाई हैं इसका टेस्ट के लिए फिलहाल। उससे पहले भैया हम आए थे शमशान घाट, जा रहे थे यहाँ से। हमने कहा भोले बाबा को प्रणाम करते हैं, हर हर महादेव, और भोले बाबा का नाम लेके अभी फ़िलहाल मैं एक बारी वैसे दिखाता हूँ लाइट ऑन करके। ये मिनी ड्राइव है और ये बड़ी लाइट है, तो हैप्पी बाजी वहाँ शूट कर रहे हैं। तो अब आगे जाऊँगा, वहाँ जाके शूट करके दिखाऊँगा अंधेरे में, क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ अंधेरा होगा। यहाँ फिलहाल इतना अंधेरा नहीं है, पूरा उजाला हो रखा है। भोले बाबा का नाम लेते हैं और चलते हैं। देख सकते हैं भाई शमशान घाट की साइड आए हैं हम लोग ट्रायल करने के लिए। तो बाकी बने रहे वीडियो के अंदर। बाकी लुक्स वाइज मेरे को बहुत सेक्सी लग रही है, और मिनी ड्राइव के साथ तो और बढ़िया लग रहा है। क्या थ्रो आ रहा है इसका अभी, तो फिलहाल मैं यही चेक करा पा रहा हूँ। चलता फिरता डीजे, इसमें क्या चीज़ नहीं है ये बता दो मेरे को। नीचे लाइट लगी, डिस्को लाइट लगा रखी है, शार्क बना रखी है, इंडिकेटर भाई फुल मोटिवेशन, और अपने सिद्धू पाजी। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो के अंदर, न्यू व्लॉग के अंदर। इस वीडियो के अंदर एक फॉग लाइट आई है जो कि हम लोगों ने लगानी है अपनी बाइक के अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो जो भी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो ये फॉग लाइट है, ये हाई बीम में जो अपनी HJG आती है, और अपना एक और ब्रांड आता है मैड डॉग, और भी ब्रांड्स हैं भाई, उन सबका बाप होने वाला है। तो वीडियो में बने रहना, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इंस्टॉलेशन होनी है, और क्या इसकी हार्नेस रहेगी, क्या इसका स्विच के बारे में रहेगा। जो भी अपडेट रहेगा आप लोग बने रहना। और ये फिलहाल मेरी उसकी तो हनी मैं इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा फिलहाल, ये है साथ दे दूंगा जितना होगा, पर फिटिंग करेंगे हमारे हैप्पी पाजी। इनकी बाइक में भी लग चुकी है, वो स्टार्टिंग वाला वर्जन है, सेकंड टू, फिर थर्ड, तीन लाइट्स है। पहली लग चुकी है, दूसरी मेरे में लगेगी, तीसरी हमारी लगेगी भैया वाली बाइक में। तो वीडियो में बने रहना और मैं आपको दिखाता हूँ भाई क्या क्या होता है। हैप्पी पाजी बताओ, लाइट का इंट्रोडक्शन दिखाओ, लाइट है कौन सी वैसे? एक तो ये लाइट, एक तो मेरी बाइक में लग चुकी है, हाँ, और एक ये लाइट है सेम एजी जैसी है, पर एजी जैसी नहीं है। चार एलईडी लाइट बना है इसके अंदर, बल्ब है सेम उसके अंदर, पर इसके अंदर मोड्स हैं, और मोड्स हैं, हाँ सेम ये कवर है। और बाकी इसका एक ब्लैक वाला पार्ट आता है, उसके लिए हम सॉक्स लगा के जुगाड़ करेंगे, बाकी आगे देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने मेरी बाइक खड़ी है, और ये हैप्पी पाजी की हमने जुगाड़ किया। इनके घर पे आया हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई जगह नहीं थी इतनी लगाने के लिए, तो फिलहाल रिंग लाइट के साथ हमने सेटअप कर दिया है, और इसके हमने जुगाड़ू माउंट लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। हैप्पी पाजी, ये जुगाड़ कैसे किया और कहाँ से किया बताना जरा। दुकान पे ही पड़े, ये दुकान पे रखे हुए थे, वो भी एक्सपल्स में लगे हुए थे, यहाँ लगे हुए थे, यहाँ लगाए। और एक मिनी ड्राइव लगी हुई है हमारे पास ऑलरेडी, जिसके अंदर हमने हॉर्न की पत्ती के ऊपर जुगाड़ किया है सब पाजी की वजह से। और ये देख सकते हैं माउंट मैंने यहाँ लगाया है, जिसके ऊपर वो लाइट लगने वाली है, और सेम एज इट इज लाइट एक और है, ये देखो दूसरा माउंट, ये माउंट पर दोनों साइड माउंट पर रहेगी, ताकि हैंडल पर रहेगी, जो मैं हैंडलिंग करूँगा तो उस साइड पर ही फोकस रहेगा मेन लाइट का। बाकी देखते हैं इसके अंदर और क्या जुगाड़ होने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने माउंट बताया आपको, जिस माउंट पे लगने वाली लाइट। और ये लाइट्स हैं कुछ, ये दो लाइट्स हैं, और साथ में इनके कवर हैं, या फ्रंट पे कवर लगे हुए हैं इसके, और ये इसकी हार्नेस है, हार्नेस के साथ ये स्विच दिया हुआ है, ये इसमें थ्री मोड्स हैं। बाकी वैसे मोड्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, प्रॉपर हार्नेस के साथ है, और वाइट कपलर टू कपलर काम होने वाला है, ऐसा कोई जुगाड़ वाला काम नहीं है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं हैप्पी पाजी। हैप्पी पाजी मजे ले रहे हैं, क्या नाम है इसका? इसका प्रिंस, प्रिंस ये गली का बादशाह है, बादशाह बादशाह। किसकी जोड़ी? धर्मवीर की जोड़ी। धर्म कौन है, वीर कौन है, बताओ कौन है धर्म? धर्म वो मेरे दोस्त है। कहाँ है, कहाँ है धर्म? वो है भाई। कैसे लगी भाई, कैसे लगी? अच्छी लगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं, टच ऑपरेटर रिंग लाइट, टोंग टोंग। तो भाई काम हो गया स्टार्ट, सीट ओपन कर रहे हैं, और ये वाला साइड वाला पैनल ओपन करेंगे। हमें तो लग रहा है शायद इसी साइड ही है बैटरी, बाकी देखते हैं। अच्छा बिना सीट के नहीं खुलेगा, ओ तेरी, ये भी बड़ी दुविधा है। तो वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ओहो नीचे की कंडीशन तो पाजी कुछ ज़्यादा खूबसूरत हो रही है इसकी, काजल लगा दिया सारा। तो साइड वाला पैनल बिना सीट के नहीं खुलना था अभी। पाजी क्या कहते हो, बैटरी यहीं है उस साइड है, क्या कहते हो? छाती मार लो बताओ, बैटरी साइड है उस साइड है? इसी साइड है, सही पकड़े हैं। तो भाई देख सकते हो एक साइड की बैटरी लगी हुई है, वाह बैटरी के साइड जंग भी आ गया नई बाइक के अंदर, देख लो भाई क्या क्या होने वाला है, बैटरी के अंदर साइन आ गया। तो फिर से करते हैं टैप, रिंग लाइट ऑन हो जा, हो जा हो जा हो जा, हो गई। तो ये देख सकते हैं जो मैंने माउंट बताया, हैप्पी पाजी ने जुगाड़ करके माउंट लगाया था, उसके ऊपर ये लगा रहे हैं लाइट। और थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा, हैंडल मोड़ेंगे तो उस साइड पे टैंक पे लग रहा है नहीं लग रहा, सब कुछ देखना पड़ेगा। पर इससे बढ़िया और बेहतरीन माउंट, फॉग लाइट माउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और, ये मेरे हाथ में कुछ छोटा सा टॉय है, इसको बता कैसा टॉय है, कहाँ यूज़ होता है वैसे, ये कुछ बता सकता है कोई?
आइडिया क्या चीज़ है वैसे, कहीं देखा पहले? डिस्लॉक है, कहाँ लगेगा ये? सोचो सोचो सोचो, गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा बढ़िया सा, बताओ। यहाँ पे नहीं, ये लगेगा उस साइड पे जो वो होल दिख रहे हैं, ये रे डिस्क वाले, इस साइड पे लगता है ताकि चोरी नहीं होती ना, इसलिए बच जाते हैं। तो ये देख सकते हो भाई, कुछ ऐसा लुक आने वाला है फॉग लाइट का। और ये मेरी मिनी ड्राइव बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसका तो स्विच की बैंड बच चुकी है। तो फिलहाल अभी पाची मार रहे हैं जुगाड़, वापस खोल रहे हैं। तो भाई लाइट ये रही, और लग गया इसका फॉग लाइट माउंट, और ये अब लगेगी डायरेक्ट। और अब देखना पड़ेगा पाजी, ये पीछे होगी तो लाइट लगेगी नहीं लगेगी, क्या कहते हो, लगेगी? देखते हैं फिलहाल, नहीं तो जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर तो दुकान पे ही होगा, हमारी पूरी वीडियो का नाश हो जाएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं, इंस्टा 360 की तरह तो घूम रही है फिलहाल अभी, ये हमें देखना है, ये मोमेंट रोकनी और टैंक बचाना है। और इधर देख लो भाई, छोटू भाई की कंडीशन, भाई क्या है भाई, मेरी वायरिंग तो दे दो यार, सबको लेकर बच्चा लेके बैठे हो तुम, पता किस काम आने वाला है? वैसे किस काम आने वाला है? बाइक में लगेगा, लाइट में लगेगा, इसके बिना अधूरी है, इसके बिना मज़ा नहीं आने वाला। तो भाई देख लो, बाइक पूरी खुली पड़ी है, सीट ओपन हो चुकी है, और इसके अंदर हमें 14 की चाबी चाहिए थी, 14 की चाबी मिली नहीं, और आज ही लगे हैं अपने काम में। और भाई कंडीशन देख लो यहाँ की, देख भाई क्या हुआ, बच गया, लग गई, हमें जो देखना था वो हमने देखा। और ये फॉग लाइट है, दो उंगली का गैप है, अरे वाह, यही हमें गैप देखना था, नहीं तो ये हमारी बाइक और ये वीडियो यही ख़त्म हो जाती, यही निपट जाती, क्योंकि व्लॉग पूरा। एक मिनट पाजी, मैं फ्रंट में जाता हूँ, फ्रंट से दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये लाइट लगी हुई है ऐसे, ये आप देख सकते हैं, और ये जो माउंट था ये आप देख सकते हैं, इसके साथ में एक और ये छोटा सा लगा है जिससे एडजस्ट होती है। और हमें यही देखना था कि ये टैंक पर लगेगी या नहीं लगेगी, फिलहाल बच गई है। वही वन साइड लग चुकी है लाइट, और इसकी हमने तार को टांग दिया, हैंग कर दिया है, और दूसरी साइड लगा रहे हैं, सेम प्रोसेस, इसको लूज़ करके निकालेंगे और वापसी खोल के लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टूल नहीं है, जिसके चक्कर में हमें सारा खुल, सारे दुकान हमारे, सारे टूल ही दुकान पर है, पर हमें लग भी रहा था कि ये वीडियो हमारी दुकान पर बनेगी, पर भाई पोपट हो गया, पर नहीं, कि छोटू ने बचा लिया, देखो सपोला लेके खड़ा पाजी, सांप के बच्चे लेके खड़ा हुआ, देखो ये लाल पीले नीले भी हैं। तो दोस्तों, आपके पास अगर ऐसी बाइक है और कुछ काम करवाना है अपनी गाड़ी के अंदर, कुछ नहीं भी कराना, तो भाई बेसिक टूल किट होनी चाहिए अपने पास। ये आप देख सकते हो, टूल किट तो थी, पर इसके अंदर हमारे पास 14 का पाना, ये चाबी नहीं थी, अपने घर से लेकर आया हूँ। और इस चीज़ के लिए 14 नंबर के नट बोल्ट है जो हमें टाइट करने थे, और ये हमने टाइट कर दी है, और ये वाली पॉइंट रह रहा है, ये आप देख सकते हैं। बाकी कवर हटाऊँगा तो क्लियर लाइट रहेगी, और कवर लगा के रखूँगा तो येल्लो विजन रहेगा, अब इसके ऊपर पन्नी भी लगी हुई है तो वो भी हटानी है, ये हम करेंगे बाद में। तो भाई ये देख लो, ये लाइट और ये सपोले का बच्चा जो कि अब काम आने वाला है, अब देखते हैं भाई क्या जुगाड़ बनेगा इसके अंदर। और ये आप देख सकते हैं, पता नहीं कैसी कैसी वायरिंग है, ये तो अपने पल्ले से बाहर है। तो फिलहाल हम सपोर्ट करेंगे हैप्पी पाजी को, रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक, अभी डायरेक्ट करेंगे ना पाजी इसके अंदर, उसके बाद फिर हम अच्छा माइनस प्लस लगाने के बाद, हाँ बाकी बाद में देखते हैं, देखेंगे भाई क्या उजाला होने वाला है। हमारे ब्लॉग देखने के लिए बच्चा पार्टी भी आई हुई है, देख लो ये लड़की बहुत अच्छा डांस करती है, अवार्ड मिला हुआ है इसको, कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। तो फिलहाल अभी कर रहे हैं वायरिंग का जुगाड़, कि भाई बारिश के टाइम पे गीली भी हो तो भाई अंदर ही अंदर रहे। यहाँ हमारी टूल किट थी, टूल किट हमने रिमूव कर दी है, टूल किट रख दी हमने वहाँ पे, तो ये इसी बॉक्स के अंदर ही हमारा हार्नेस जुगाड़ आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने टूल किट हटा दी थी, और इसी के सीट के नीचे ही हमारी ये वायरिंग है, और ये हार्नेस आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है, और कपलर टू कपलर होने वाला है सब कुछ। और ये इसकी ब्लैक कलर की वायर है जो कि जाएगी यहाँ से होती हुई वायर पे। तो बाकी देखते हैं कि ये जो हमने प्रोसेस किया है ये कामयाब होगा भी या नहीं होगा। अभी इस पे टनल पे लगे हुए दोनों पॉइंट्स, और हार्नेस यारी, और वो कपलर टू कपलर तो लग चुका है, एक पहुँच गया, दूसरा पहुँचाना है, दूसरा पहुँचाना है। तो भाई साहब हार्नेस हमने लग गई है, और कपलर टू कपलर काम हो गया, दोनों की लाइट लगी वन साइड और इस साइड। अब रह गया स्विच, स्विच तुम्हारे पास है भाई, स्विच किसके पास है? लो भाई स्विच देखते हैं, स्विच लगाते हैं। नहीं नहीं, इस पे पंखा लगा, दिखाऊं देख कहाँ पे लगा हुआ है, देख रहा इसके पीछे, देख इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है। तो फिलहाल अभी ये मेरी छोटी वाली मिनी ड्राइव अभी चल नहीं रही थी, तो पता चला कि किस वजह से नहीं चल रही। एक्चुअली एक तो ये अर्थिंग वाला जो पॉइंट था, ये इसके अंदर दो फंसा हुआ लगा रखा है, जो ये वायर है टूट गई थी, और इसी के साथ मैं सोच रहा था कि स्विच ख़राब है। इसका स्विच एकदम ठीक था, तो पाजी ने ये वाला फॉल्ट भी सॉर्ट आउट कर दिया। अब इसके साथ में छोटा पैकेट और बड़ा पैकेट दोनों ही धमाल मचाने वाले हैं।
तो भाई फाइनली वायरिंग हो गई है कंप्लीट और इग्निशन से ये वाली वायर जो ब्लू वाली वायर थी वो भी इग्निशन में डाल दी है, जैसे कि पहले वाली में डाली हुई थी। सुपर बाइक की चाबी मांग रहा है मेरी बाइक की। कौन? स्प्लेंडर की बाइक की चाबी मेरे से मांग रहा है। तो अभी फिलहाल इसके ऊपर ये रैप एक पन्नी मैट ब्लैक मैट सी लगी हुई है, हटेगी और उसके बाद कवर भी हटा के दिखाऊंगा कि क्या रिफ्लेक्ट रहेगा इसके अंदर। और ये जो मिनी ड्राइव थी ये भी चालू हो गई है और दोनों की वायरिंग हो गई कंप्लीट और इग्निशन से हो गया है। पाजी कर सकता हूँ चालू? लो भाई कैसे चलेगी, वाह भाई वाह। तो फिलहाल लाइट लग चुकी है इसके अंदर और सीट भी कर दी है पैक, टूल किट हो गई है पैक और अपना बैग उठाना है और चलना है। दोस्तों रात होने का वेट था, रात हो गई है तो खड़ी अपनी बाइक जो फॉग लाइट हमने इंस्टॉल करी थी, तो अब मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पे एक एरिया है वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ जाके हम देखते हैं इसकी विजिबिलिटी और कौन सा ब्रांड है, किस प्राइस रेंज में आने वाली है और हमारे स्टोर पर कब तक आ जाएगी। तो जो भी डिटेल्स होगी वो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, मैंशन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो लाइट है भाई साहब तबाही मचाने वाली है, क्योंकि सामने से तो पता ही नहीं चल रहा है कि बाइक की कौन सी है जिसपे लाइट लगी है। ऑन करके ये मिनी ड्राइव है और ये बड़ी लाइट है, ये आप देख सकते हो ये जो लाइट है क्या विजन दे रहा है। फिलहाल अभी मैं अंधेरी वाली जगह पे जाके दिखाता हूँ, फिलहाल अभी फ्रंट से तो कुछ आप ऐसा देख सकते हो। हैप्पी बाजी वहाँ शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 12, तो स्पेशल आए हैं भाई। ये जो लाइट्स होने वाली है मैड डॉग और जो अपनी HGG ब्रांड्स आते हैं और भी ब्रांड्स आते हैं, बट फिलहाल अभी मार्केट में दो ही ब्रांड चल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, HGG और मैड डॉग, और इन दोनों के बीच की प्राइस रेंज के अंदर होने वाली है। और इसका थ्रो तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने HGG से भी मतलब कंपेयर कर चुका हूँ, उसकी वीडियो नेक्स्ट में आएगी, और मैड डॉग से भी किया है उसकी वीडियो भी नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसके साथ में भी सेम जैसे HGG के आते हैं ये दो कवर मिलते हैं जिसके अंदर ये कुछ पॉलीथीन टाइप की लगी हुई है, ये मैं दिखाता हूँ, ये मेरे को हटानी पड़ेगी, ये एकदम ब्रांड न्यू है। मैं सोच रहा था भाई जब इसको यूज़ करूँगा तभी लगाऊंगा, ये आप देख सकते हैं इसका मैंने ऑलरेडी पहले हटा दिया था, इसको मैं सेट करता हूँ। तो भाई लेट नाइट हो रही है, हम आए भाई घर वाले भी बोलेंगे कहाँ गया बच्चा हमारा रात को, तो फिलहाल इसको मैंने सेट कर दिया है और मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो सीधा हम डायरेक्ट आएंगे, पहले तो मैं आपको स्विच दिखाता हूँ, ये वाला इसका स्विच है, ये इसका नॉर्मल स्विच नहीं है, ये भैया छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। फ्रंट में आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लुक आने वाला है फ्रंट में, ये नॉर्मल है एकदम। और अगर मैं इसको फ्लैश करना चाहूँ तो ये इसका फ्लैशर मोड है, इसमें भी काफ़ी सारे मोड है मतलब चेंज होते रहते हैं। और एक बार आप फ्रंट में आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ लाइट्स हैं, ये दो लाइट मैंने जो दिखाई ये कोई ब्रांड नहीं है, ये हमारा अपना एक ब्रांड होने वाला है और इसके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये दो साइड पे लगाई जो कि हमने जुगाड़ करके लगाया, अभी कोई माउंट नहीं था एक्सपल्स के लिए मेरे पास, जाना ने बनाया है बट वो नीचे था, पर मेरी ऑलरेडी एक लाइट लगी हुई है इस वजह से मैंने वो लाइट लगाई नहीं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो, मैं इसको अभी ऑन करके दिखाता हूँ इसका क्या थ्रो होने वाला है। आप इस साइड आए, कैमरा मैन इस साइड आए और इस साइड से दिखाएं एक बारी ये क्या थ्रो होने वाला है। ये इसका विजन रहने वाला है, ये कुछ इस साइड से मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो ये थ्रो है इसका, और बाकी इसके अंदर जो मैंने मोड दिखाया आपको फ्लैशर वाला ये कुछ ऐसा मोड आएगा, ये तो ये कुछ ऐसा मोड है इसका, ये स्विच है, पूरी हार्नेस लगी हुई है, ये देख सकते हैं पूरी हार्नेस जा रही है, फेयरिंग से होती हुई पूरे उसके अंदर जा रही है बैटरी के, टनल में हमने पॉइंट लगाया और हमने सीट के नीचे लगा रखे। अब मैं आपको ये ग्लास लगा के दिखाता हूँ इसके अंदर कि ये कैसा लुक आएगा। ग्लास वाले भैया जल्दी से लग जाओ, और ये देख सकते हैं वन साइड से डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, क्या बढ़िया लग रहा है। ये साइड में कवर लग चुका है और इस साइड पे कवर नहीं है, तो दोनों की एक बार ही मैं वैसे विजिबिलिटी एक बार दिखा देता हूँ, वन साइड येलो है और वन साइड वाइट है, ये कुछ ऐसा रहेगा। और अभी मैं दूसरी साइड भी लगाता हूँ ये वाला कवर, तो ये भैया जादू ही कवर है, फॉग के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाला है। और लग जा गुरु लग जा, और ये लग गया। तो फिलहाल ये कवर लग चुका है, और ये तुम्हारे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ये आप देख सकते हैं फ्रंट से मैं कुछ ऐसे दिखाता हूँ, भाई सामने से तो पता ही नहीं चल रहा है कि बाइक है कौन सी। तो ये कुछ इसका ये लुक है और ये इसके कवर्स हैं, ये फ्लैशर मोड के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें मोड्स भी दो मोड्स हैं, एक फ्लैशर मोड है और अपना ये मोड है। वाइट के लिए नॉर्मल आपको ये कवर हटाना पड़ेगा, ये देख सकते हैं जैसे कवर हटाना, ये हट गया तो आपको वाइट रहेगा, बाकी नहीं तो विजिबिलिटी देखनी है तो येलो लगाना पड़ेगा। और मैंने मिनी ड्राइव भी लगा रखी है, फिलहाल मैं इसका भी यूज़ नहीं कर रहा, मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा लुक आता है इसके साथ, मतलब बन गई ना भाई, चीरती हुई तूफानों को चीरती हुई, आंधी तूफान सब चीरती हुई आएगी भाई, फॉग हो जितना मर्जी,
तो फुल धमाका होने वाला लाइट का। और ये येलो के अंदर है, इसमें दो मोड्स आते हैं। तो जैसे कि मैंने दिखाई ये लाइटें, ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे लगी हुई है, ये जो मैंने लाइट से बताई, इनके लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा जिसको भी ये लाइटें चाहिए हो। हमारा स्टोर है करोल बाग में जाना मोटरसाइकिल के नाम से, ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है और प्राइस रेंज एक नंबर होने वाली है। ये स्पेशल वीडियो मैं इसलिए लेकर आया था क्योंकि सर्दी का टाइम है तो भाई फॉग बहुत मिलती है। फॉग क्या, वैसे भी अगर बंदे बाहर जाते हैं तो उनको नीड पड़ती ही पड़ती है, हाईवे राइड करे कहीं भी करे, पर जिस हिसाब से ये लाइटें हैं भाई मार्केट में आग लगाने वाली है। HJG वाले और मैड डॉग वाले स्पेशल बच के रहे और इसका विजन, और वहाँ वो जल्दी मैं वीडियो मैड डॉग की और इसकी सबकी कंपेरिजन में भी डालूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ और आप सामने देख सकते हैं जिस हिसाब से इसका विजन है। तो मुझे लगता नहीं कि, एक बार मैं ऑफ करके दिखाता हूँ, इसी मोड पर रहना। ये हो गया पूरा अंधेरा, आपको दिख रहा होगा पूरा अंधेरा, और ये ऑन, तो ये समझ सकते हो आप क्या इसका विजन है। मैं पार्क में आया था स्पेशल, अभी हम लोग गए थे शमशान घाट की साइड, वहाँ पे भी इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ लाइट थी। तो ये सब जानकारी के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।